या अलग लगना है? जैसे मर्जी। अब मैंने स्टार्ट कर दिया। सेम सेम अपलोड करेंगे या अलग अलग बना के? मैं बना देती हूँ अलग अलग भी, सेम सेम भी आप लोग जैसे तो आएगी तो आएगी, वैसे मैं इंस्टाग्राम में वैसे शेयर कर देती। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज जोकर क्वीन हियर और आज मेरे साथ बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी है शीरिन। इनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ था डॉक्टर फारूक के थ्रू और मुझे काफी गाइडलाइन की जरूरत थी, तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, लेकिन ये है कि उनको ज्यादा तंग नहीं कीजिएगा, ये लाइन मुझे आज भी याद है। डॉक्टर फारूक, इन्होंने बिल्कुल तंग नहीं किया मुझे। और मैंने बड़े डरते डरते इनको मैसेज किया था, उस वक्त मुझे कीमो लगी हुई थी और मैंने वीडियो भी सेंड की थी इनको, और शी इज सो स्वीट, उन्होंने मुझे इतना अच्छे से ट्रीट किया, इतने अच्छे से गाइड की, मैंने मुझे कॉल की, मैं डॉक्टर साहब को बाद में बताया था, डॉक्टर साहब ने मुझे खुद कॉल की थी। सो मैं इनसे गाइडलाइन लेती रही कैंसर के हवाले से भी, डाइट के हवाले से भी, और आज मुझे लाइक विक के लिए इन्होंने इन्वाइट किया था कि मैं आपको विक गिफ्ट करना चाह रही हूँ, एंड शी इज सच अ नाइस, शी इज अ जेम, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। और कुछ मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स कैंसर के हवाले से भी दूंगी और डाइट के हवाले से भी दूंगी। ऑफकोर्स हमारी बहुत ज्यादा लेडीज में ये प्रॉब्लम है जो कि शर्म की हमारे घर में बताती नहीं है, बात ही नहीं करती, और हमारे मुल्क में तो अवेयरनेस ही नहीं है इस बारे में, पर हम अवेयरनेस ही बढ़ा रहे हैं। Exactly. और शायद अल्लाह ताला ने हमें इस रास्ते पे इसीलिए चलाया था ताकि हम लोग अपने मीडिया एक्सपीरियंस, सोशल मीडिया को यूज़ करके लोगों तक एक बहुत अहम खबर दें कि आप लोगों को जो ही शक होता है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, और अगर आपको तसल्ली ना हो डॉक्टर से तो आप ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएं ताकि वो अच्छी तरह बता सकेगा कि क्या प्रॉब्लम है। अल्लाह करेगा कि नहीं हो, लेकिन अगर है तो फिर फौरन से पेशतर आपने ठीक करना है। अब नौशीन मुझे अपना एक्सपीरियंस बता रही थी कि इनको जब पता चला, थोड़ा सा शक हुआ, तो फिर ये इन्होंने वेट किया 4-5 मंथ्स में, तो वो इतना बड़ा हो गया। तो ये अगर आप जितनी देर लगाएंगी उतना आपका मामला और मुश्किल हो जाएगा, तो आपने जल्द से जल्द फौरन से पेशतर आपने पहुंचना है, ठीक है? और आप शीरी अपना भी एक्सपीरियंस बताएंगी कि इन्होंने भी अभी मतलब कुछ टाइम पहले ही आपने क्योर किया है, कैंसर से फाइट करती रही हैं ये भी, और मैं मतलब इनके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा फील इसलिए होता है क्योंकि ये सब चीज़ से गुजर चुकी हैं और ये बेहतर से जानती हैं, बेहतर से अंडरस्टैंड करती हैं और बेहतर से गाइड कर सकती हैं। तो थोड़ा सा बिल्कुल आपका असर भी आप पे ज़्यादा होता है ना जब कोई ऐसा इंसान आपको बताता है जो खुद उसमें से गुजरा हुआ। अगर ये बोल रही हैं कीमो तो मुझे पता है एग्जैक्टली कीमो कैसा महसूस होता है, अगर ये आगे अब रेडिएशन होगा, सर्जरी होगी, जो भी होगा, तो एक इंसान जो गुजर चुका है उसमें से, तो वो अब जैसे रेडिएशन में एलोवेरा के ना जो होती है अंदर से लिक्विड उसका होता है ना, तो वो जेल आप लगाएं अपने ऊपर, तो बजाय इसके कि आप बर्न क्रीम्स लोग लगाते हैं तो उससे बेहतर ये एलोवेरा जेल अच्छा होता है। इस तरह मतलब छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हमने खुद एक्सपीरियंस किए हैं तो वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, आसान हो जाता है। तो ये इतनी घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ जल्दी करने वाली बात होती है, दैट्स ऑल। अभी मुझसे कुछ पेशेंट्स की बात हो रही है जिनको छोटे छोटे लंप फील हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें ये बता दिया कि वो नॉन कैंसेरियस हैं, आप किसी डॉक्टर के पास मत जाइए। हाँ, जो नॉर्मल डॉक्टर्स होते हैं, आम डॉक्टर कई दफा वो गलत बात कर लेते हैं, तो इट्स बेटर कि आप ऑन्कोलॉजिस्ट से ही पूछें कि लंप जो है आपका कैंसरस है या नहीं। बाकी डाइट के हवाले से यह है कि नॉर्मली भी जो डाइट हम ले रहे हैं, हम कैंसर की तरफ ना जाएं, हम पहले ही बच जाएं इस चीज से, तो उसमें तीन चीजें तो मैंने बताई थी, चीनी छोड़ें जी जी, और दालें और फ्रूट्स और सब्जियां, ये आपने इन चीजों पे रखना है, और ऑयल, कुकिंग ऑयल जो है, जो हम करोली ऑयल और पता नहीं क्या क्या लेते थे, ये अब नहीं, आप देसी घी ले, मक्खन ले सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल घी ले सकते, नॉट वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव ऑयल ठीक है, ऑलिव ऑयल बिल्कुल ठीक है, लेकिन मस्टर्ड ऑयल भी ठीक है, यू नो, ये सारी जो देसी चीजें हैं, वापस आ जाएं जनाब अपने असल असलियत पे, ताज़ा ताज़ा खाना खाएं, ताज़ा सब्जियां, मैंने अपना वेजिटेबल गार्डन अपना बनाया है क्योंकि इसलिए ताकि घर की चीज़ हो, घर की बनी हुई हो, इसके ऊपर पेस्टिसाइड्स ना लगे हों, केमिकल्स ना लगे हों, ये चीजें हमने देखनी है कि कम से कम, और फ्रेश ऑर्गेनिक फूड हमने खाना है इंशाल्लाह ताला। बाकी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि मैंने ये वेस्ट किया है टाइम, तो अब मैं इसको सफर कर रही हूँ। सो बाकी इंशाल्लाह शीरी से बातचीत होती रहेगी, नेक्स्ट मुलाकात में और अच्छे से आपको गाइड करेंगे, अपने क्वेश्चन जरूर जो है कमेंट्स में ड्रॉप कीजिएगा ताकि अब हमें आसानी हो आपको अच्छे से गाइड करने में। कुछ लास्ट में कहना चाहेंगी? लास्ट में मैं यही कहूँगी कि हिम्मत और हौसला रखें, ये जो हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत डर जाते हैं,
तो देखो कैंसर से इंसान के तो बस फौरन फौत होना है, ये बात नहीं है। फौत तो वो भी होते हैं जिनको कैंसर नहीं होता, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। मौत का अपना टाइम है मुकर्रर, जब होगा तो उस वक्त कोई आगे पीछे नहीं हो सकेगा, लेकिन उसका कैंसर से डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है। कैंसर से ये है कि हम अब एक दूसरे हम जल्द से जल्द अपना इलाज करें, डॉक्टर जो इलाज कहता है हमने उसका करना है, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। और बाकी लास्ट में यही कहूंगी कि जो भी क्वेश्चंस माइंड में आते हैं हमसे पूछिए, हम आपको अवेयरनेस जरूर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोग्राम चल रहा है अवेयरनेस का। तो हम लोग, मैं तो इंशाल्लाह ठीक होने के साथ ही मैं इस पे काम करना शुरू कर दूंगी, अभी भी कर रही हूँ। बाकी श्री को मैं अभी छोड़ूंगी बिल्कुल, इनकी एक बुक भी अभी इंशाल्लाह ताला पब्लिश होने ही वाली है कैंसर पे, और ब्लॉग पोस्ट मेरे वेबसाइट पे है, मैं इनका लिंक भी शेयर कर दूंगी, आपने लाजमी चेक करना है, काफी अवेयरनेस आपको वहां से भी मिल जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच। जी क्रॉकरी शॉप जो है मुसद्दिक अभी लेके आ रहे हैं सारी चीज़ें वहाँ से, कल हम कोशिश करेंगे उसके करने की ब्राइडल प्रोजेक्ट फ्राइडे को। तो ये अभी आ रहे हैं, अभी हमारे घर में पहुँच जाएगा। अभी आए जनाब, अभी हम इस दफ़ा सात शादियाँ इंशाल्लाह करेंगे, आठ करेंगे तो तो आई गेस 7 ही होंगे। तो ये अब वो आके दे गए, उन्होंने कहा था कि मैं 12 बजे से पहले कर दूंगा, अभी मैंने हॉस्पिटल जाना है, तो मैंने कहा पहले पहले ये काम हो जाए तो फिर चलती हूँ। ये देखें कौन मिला, ये भी मिली है, बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम से श्री को देखा और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई, श्री दोस्त एंड माशाल्लाह शी इज ऑल द टाइम स्माइलिंग, मुझे से क्यूट चीज ये लगती है कि आप बहुत स्माइल करती हैं, माशाल्लाह। थैंक यू ओके, हमारी फिर बाद में बातें हो, चलो। ये जी अजीज है, ये मेरा व्हील चेयर उठाते हैं हमेशा, घुमाते रहे हैं उठाते नहीं, और मैं जब भी हॉस्पिटल आती हूँ मैं इनसे ये ज़रूर मिलते हैं, मुझे कहीं ना कहीं वेरी एफिशिएंट वेरी गुड। आप लोग आए तो यू कैन कॉल हिम, मैं आपका नंबर दे दूँ। बहुत ही अच्छा ट्रिप हुआ, नई डॉक्टर से मैं मिली, डॉक्टर उज़्मा ऑन्कोलॉजिस्ट, और बहुत ही मुझे अच्छा लगा उनसे मिलना। तो कहने लगी सोचा मत करो जो मुझे थियरी बहुत ही पसंद है, और मुझे थोड़ा सा लग रहा था कहीं वापस ना आ गया हो, कुछ दर्दें उठ रही थी, तो वो कह रही थी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपने एक्सरसाइजेस पूरी नहीं की इस वजह से हुआ है। तो जितने भी एक्सरसाइजेस डॉक्टर्स कहते हैं वो करना होता है, मेरे असल में जब फ्रेंड्स आए हुए थे ना तो मैं भूल गई थी करना, कोई 5-6 दिन का गैप आ गया, तो उसकी वजह से मुझे ये दर्दें वगैरह हुई हैं। तो इसके बाद हम कहाँ पहुँच जाते हैं, हमेशा नर्सरी में पहुँच जाते वापसी पे। सी यू लेटर। हे
हैवी बार्गेनिंग अंडर वे। बाबर एक फूल भी नहीं नजर आ रहा है। ये देखो ना, हॉस्पिटल के बाद मैंने इधर आने को नर्सरी से जी ब्राइडल प्रोजेक्ट हो रहा है। हमारे पास एक ब्राइड और फादर आए हुए हैं, ये ड्राइवर हैं और ये जो हमारी रिकमेंडर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे साथ साथ कपड़े भी भेजे हैं। इन्होंने यही हम चाहते हैं कि आप लोग प्लीज़ हमारे साथ शामिल हो हमारे काम में। और ये पहले के हमारे पास कपड़े आए हुए हैं, अल्लाह ताला आप सबको जजा दे, ये बहुत काम आते हैं। हम बच्चियों को देते हैं क्योंकि फादर के लिए आसानी हो जाती है ज़रा, ठीक है ना। तो ये कितना प्यारा जोड़ा है, हाँ उसने ये तो बहुत प्यारा जोड़ा है। अच्छा चलो, बहुत शुक्रिया जी। ये देखें जनाब, हम कहाँ पहुँच गए और हम बात कर रहे हैं कि हम कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम निकले और हम बोर हुए, बिल्कुल ऐसे है ना। हाँ, आज चांद रात है और हम लोग घर में पहले तो अकेले अकेले बैठे थे, फिर अपने काम में लगा। मैंने शरीन को कहा और शरीन ऐसा 1-1-2-2 एक मिनट में हाजिर और हम पहुँच गए इधर कॉफ़ी पीने। ज़बरदस्त, नई जगह है, पहली दफ़ा हमने देखी है, इट्स रियली नाइस। ये बुक्स मैंने सेलेक्ट की हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू बाय दीज बुक्स। ये रिच डैड पुअर डैड का ऑथर है, इसने कैश फ्लो क्वाड्रेंट लिखी है। इसकी फाइनेंस पे बुक्स बड़ी अच्छी होती हैं, पढ़नी चाहिए।
इसकी मॉर्निंग मोशन की मैं बड़ी सख्त फैन हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद है ये। और ये जापनीज, इसकी एक ही गाय बुक पढ़ी है मैंने, अब ये पढ़ रही हूँ। पौने 12 बजे आ दो चांद रहा था ना, वो चांद भी है, वो चांद था, ये चांद। ये माफ करना मेरा फोन जो है ना, इसका कैमरा ठीक होने वाला फोन में जा रहा क्या कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, आपको सीन का इफेक्ट्स पता चल गया होगा, है ना। My uncles, cousins, everybody. Okay. और गवर्नर जो गिरफ्तार फौत हुए उनकी बहू है। Flowers, wow! और वो roses का भी आया है, उफ कितने प्यारे, thank you। और साहब इतना प्यारा note लिखा हुआ है, how sweet, thank you so much Sadia Jaleel, lots of love, you never forget, honestly, thank you so much, may Allah bless you। इतने ब्यूटिफुल सादिया जलील, थैंक यू सो मच, आई लव फ्लावर्स, आई लव देम। ये भी मिले, इतने ब्यूटिफुल सादिया जलील, थैंक यू सो मच, आई लव फ्लावर्स, आई लव देम।